मैं कमलेश कुमार निषाद, जीव विज्ञान प्रवक्ता, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हमीरपुर उत्तर प्रदेश। हमने पिछले वीडियो में आपको डबल फर्टिलाइजेशन का ज्ञान प्राप्त किया गया था, उस वीडियो को लाइक करें और उसको आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें, थैंक यू। आज हम आपको पुष्पी पादपों में पराग कणों के अंकुरण, पराग नलिका का निर्माण, मेल गैमेट का फॉर्मेशन ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक के अंतर्गत एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंतर्गत जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, इसी को दूसरे नाम से फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ग्रेन ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है। पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर ये रफ टाइप होती है और इसकी इनर लेयर ये स्मूथ होती है। मध्य में केंद्रक पाया जाता है, दिस इज पॉलन ग्रेन। परागकण का निर्माण एंथर भाग पर होता है। पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा भाग पर प्रवेश करता है, ये गाइनोशियम भाग है, ये इसका स्टिग्मा पार्ट है, ये इसका स्टाइल भाग है और ये ओवरी भाग है। तीन भाग, ये गाइनोशियम भाग होता है, फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। ये जैसे ही स्टिग्मा भाग पर आता है तो स्टिग्मा भाग पर विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इन रासायनिक पदार्थों को पॉलन ग्रेन अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद यह आकार पर बढ़ जाता है और जैसे ही पॉलन ग्रेन आकार में बढ़ता है तो इसकी जो एग्जाइन लेयर है, आउटर लेयर है, ये जगह जगह पर टूटने लगती है। साधारणता है जब कोई भी वस्तु पानी को अब्जॉर्ब करेगी, आकार उसका बढ़ेगा, आउटर लेयर पर प्रेशर पड़ेगा और वो जगह जगह पर टूट सकती है। यहाँ पर एग्जाइन जिस स्थान पर टूटती है उसका नाम जर्म पोर रख देते हैं, यानी उसे जर्म पोर के नाम से जाना जाता है। जर्म पोर भाग से एक ट्यूब के समान संरचना निकलती है, उसी ट्यूब के समान संरचना को हम लोग पॉलन ट्यूब के नाम से जाना जाता है, पॉलन ट्यूब के नाम से जानते हैं। और इसी पॉलन ट्यूब में जनरेटिव सेल प्रवेश करती है। ये जनरेटिव सेल जो है डिवाइडिंग विभाजन करने लगती है,
ये जो न्यूक्लियस होता है इसका ये न्यूक्लियस यानी दो भागों में टूट जाता है। न्यूक्लियस के टूटने से प्रोथेलियल सेल और एंथ्रीडियल सेल्स बनते हैं। ये एंथ्रीडियल सेल्स दो भागों में टूट करके ट्यूब न्यूक्लियाई और जनरेटिव सेल्स में परिवर्तित होती है। यही जनरेटिव सेल्स यहाँ विभाजन करती है और प्रोथेलियल सेल्स जो होती है इसका विभाजन रुक जाता है। इसके बाद पॉलन ट्यूब के अंदर जनरेटिव सेल विभाजन करके ये दो मेल गैमेट का निर्माण करती है। दो मेल गैमेट का निर्माण करती है। यूपी बोर्ड में दो नंबर में आता है। दो तरह से पूछा जाता है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन अथवा फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, परागकणों का अंकुरण और पराग नलिका का निर्माण। तो जब हम पॉलन ग्रेन का अध्ययन करते हैं तो पॉलन ग्रेन डबल लेयर की बनी हुई दिखाई देती है। इसकी आउटर लेयर रफ टाइप होती है और इंटरनल लेयर से मोट होती है। जैसे ही पॉलन ग्रेन वायु के माध्यम से या अन्य सहायक के माध्यम से स्टिग्मा भाग पर प्रवेश करता है, स्टिग्मा भाग में उपस्थित रासायनिक पदार्थों को अवशोषित करता है, पॉलन ग्रेन आकार में बढ़ जाता है। और जैसे पॉलन ग्रेन आकार में बढ़ता है तो एक जाइन पर दबाव पड़ता है। दबे के कारण एक जाइन जगह जगह पर टूट जाती है। जिस स्थान पर एक जाइन टूट जाती है उस स्थान को जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर से इंटाइन एक ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं, जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस जब विभाजन करता है तो प्रोथेलियल सेल और एंथ्रीडियल सेल बन जाती हैं। एंथ्रीडियल के विभाजन से जनरेटिव सेल और ट्यूब न्यूक्लियाई बन जाती हैं। और ये जनरेटिव सेल में जब विभाजन होता है, जनरेटिव सेल विभाजन करके दो मेल गैमेट का निर्माण होता है। इस प्रकार यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब बन रही है और परागकणों का अंकुरण हो रहा है। कोई भी सीड अंकुरित होता है, प्रारंभ में नलिका की भास संरचना निकलती है, उसी नलिका सदृश संरचना अंकुरण का प्रतीक माना जाता है। इस तरह से दो तरह से क्वेश्चन हुआ, टिप्पणी हुई कि परागकणों का अंकुरण हुआ, पराग नलिका का निर्माण हुआ।